राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। रूपाली गांगुली 2000 के दशक की शुरुआत से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही है, लेकिन स्टार प्लस की अनुपमा से वह एक घरेलू नाम बन गई है। रूपाली, जो कि फिल्म निर्माता अनिल गांगुली की बेटी है, एक फिल्मी परिवार से आती है, लेकिन उन्हें अपने शुरुआती वर्षों में कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। हाल ही में एक इंटरव्यू में रूपाली से फिल्म और टीवी एक्टर्स के बीच भेदभाव के बारे में पूछा गया और क्या उन्हें कभी इसका सामना करना पड़ा है। एक्ट्रेस ने याद किया कि कास्टिंग काउच का सामना करने के बाद फिल्मों से दूर जाना उनकी पसंद थी। रूपाली ने बताया कि उनके स्ट्रगल के दिनों में कास्टिंग काउच एक आम बात थी और उन्हें ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर दिया। एक्ट्रेस ने आगे कहा, हो सकता है कि कुछ लोगों को इसका सामना न करना पड़ा हो, लेकिन मेरे जैसे लोगों को इसका सामना करना पड़ा और हमने यह विकल्प न चुनने का फैसला लिया। रूपाली गांगुली ने शेयर किया कि जब उन्होंने टीवी में काम करना शुरू किया तो उन्हें परिवार और दोस्तों ने फेल होने के रूप में देखा, क्योंकि वह एक फिल्मी परिवार से थी और टीवी में काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त मुझे खुद को छोटा महसूस होता देखना पड़ता था, लेकिन आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मेरी अनुपमा ने मुझे वह कद और पद दिया है जिसका मैंने हमेशा सपने देखा था। बता दें कि रूपाली को यह पहली बार 2000 के दशक की शुरुआत में फेम तब मिला जब वह स्टार प्लस के मेडिकल ड्रामा संजीवनी में एक निगेटिव किरदार में दिखाई दी। अनुपमा, जिसका प्रीमियर 2020 में हुआ था, ने हाल ही में 1000 एपिसोड पूरे किए हैं और यह इस समय टीवी पर सबसे बड़ा सफल शो में से एक है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।